हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रव नॉलेज एड्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया है। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, आप सब लोग मेरे वीडियोस में काफ़ी प्यार दे रहे हैं और काफ़ी देख रहे हैं वीडियोस को, तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और मैं आप लोगों तक नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो आज का मेरा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीरीज़ चली रही थी उसमें मैं वीडियो आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं रेक्टिफायर सर्किट का जो आज का वीडियो रहेगा मेरा, रेक्टिफायर सर्किट्स का वीडियो रहेगा और ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो रेक्टिफायर सर्किट में भी आज मैं आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर करवाऊंगी और उसका आउटपुट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आपका आउटपुट आता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों की जितना हो सकेगा मुझसे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और करते हैं प्रैक्टिकल। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है हमारे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर का मैनुअल और इसके भी आप पे हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल है, अभी फ़िलहाल मैं हाफ वेव आप लोग को करवा के दिखाऊंगी। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, हाफ वेव की थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इनपुट और क्या क्या आउटपुट आएगा, उसके भी आप में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये आप मैनुअल देख लीजिए, ये है देखिए हाफ वेव। तो इसमें एक सिंगल डायोड यूज़ होता है और यहाँ पे एसी जो हमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये जो एसी टू डीसी देगा तो उसमें कन्वर्ट करेंगे और ऐसे ही फिर इसके जो आउटपुट्स हैं, ये है हमारा इनपुट सिग्नल, ये हमारा रेक्टिफाई कर रहा है विदाउट फिल्टर, और जब हम फिल्टर यूज़ करेंगे तो हमारा सर्किट इस टाइप का आउटपुट आएगा। तो ये हाफ वेव का है, ऐसे ही फुल वेव का है। तो फुल वेव में हमारे दो डायोड यूज हो जाते हैं और एक हमारा ये इनपुट जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये लगेगा और आउटपुट हम इन दोनों कनेक्शन में ले लेंगे। उसके बाद है ब्रिज रेक्टिफायर, ये हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है इनपुट और ये आउटपुट है। तो दोनों, अभी आपने दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या होता है जब क्या करता है डायोड क्लॉकवाइज चल रहा है या पॉजिटिव साइकिल में चल रहा है तो हमारा पॉजिटिव इनपुट आ रहा है और नेगेटिव ये क्लिप कर देता है ऐसे। फिर ये वाला पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव क्लिप हो गया, तो ये पल्सेटिंग डीसी टाइप की हमारी आउटपुट मिलती है। ऐसे ही हमारा जब दोनों डायोड यूज़ होते हैं तो एक डायोड ये वाला, जब ये वाला डायोड होता है तो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और जब ये सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये आउटपुट आ जाएगा, ये D1, ये D2, D1, D2। तो ये D1, D2 की आउटपुट है विदाउट फिल्टर यूज़ करके, और यहाँ पे हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फिर से ये इसको क्लियर बना देगा, इस टाइप का सिग्नल आएगा। फिर आता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर भी सेम यही आउटपुट होती है, बस इसमें इसका यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो अभी हम पहले हाफ वेव करते हैं, तो अब हम जाते हैं किट पे। तो ये हमारा किट बना हुआ है और ये एक्सेल टेक्नोलॉजी से हम लोगों का परचेज है। तो इसमें हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर तीनों ही हम सर्किट इसमें आउटपुट चेक कर सकते हैं, और सामने है हमारा DSO। तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप सबसे अच्छा होता है, जब भी हम सिग्नल मेज़र करते हैं तो इसमें आसानी से सिग्नल आ जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाफ वेव, तो ये हमारा देखिए, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग को कनेक्ट करना है ये वाला जो इनपुट दे रहे हैं हम ये, और इसको हमें करना है सिंगल एक डायोड से कनेक्ट। तो हम कर देंगे ए को, जो ये वाला है ए को डी से कनेक्ट करेंगे एंड सी को जी से कनेक्ट कर देंगे, जो ये सी है इसको जी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ पे इनपुट चेक कर सकते हैं। और जो ये टर्मिनल एक्स एंड वाई है, ये एक्स एंड वाई है, अभी ओपन रहेगा क्योंकि
ये देखो यहाँ पे ओपन सर्किट बना हुआ है, तो ये ओपन ही रहेगा क्योंकि अभी हमें सिर्फ सिंगल हाफ वेव के लिए सर्किट बनाना है। तो ये हमारा हाफ वेव के लिए सर्किट कंप्लीट है। उसके बाद आते हैं हम DSO पे, वायर्स पे। तो DSO का ये हमारा है ग्राउंड, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट है ग्राउंड के लिए, तो ये हम ग्राउंड कर देंगे। और ये रेड वाला जो पार्ट है DSO का, ये हम इनपुट चेक करेंगे, ये पहले इनपुट पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके आउटपुट देखेंगे DSO पे, ऑटो कर लेंगे। ये है, तो ये देखिए हमारा है 50 हर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी है, मतलब यहाँ से हमारा जो सिग्नल जा रहा है 50 हर्ट्ज़ का जा रहा है। और ये देखिए ये सिग्नल है। तो अभी हमें ये क्या करना है, ये हमारा डायोड से पास हो रहा है। तो अब डायरेक्ट मैं जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने इनपुट चेक किया है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैं लगाऊंगी आउटपुट पे। तो ये देखिए ये हमारी आ गई है पल्सेटिंग DC। अभी हमने यहाँ से AC इनपुट करवाया और यहाँ हमें मिलेगा DC, क्योंकि रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारा फ़िलहाल पल्सेटिंग DC आ रही है क्योंकि हमारा कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो हम देखो यहाँ पे ये फ़िल्टर सर्किट बना हुआ है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, या इसे हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। पल्सेटिंग जो DC आ रही है यहाँ ना लगा के यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद हम अगर हमें क्या करना है, फ़िल्टर जो इसमें रिपल्स आ रहे हैं उनको चेंज करना है, तो ये देखो एक थोड़ा सा DC के लेवल में सिग्नल जा रहा है। अब थोड़ा सा ये क्या है, ये LC फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम दूसरा फ़िल्टर लगाते हैं ये वाला, तो इससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। ये देखो तो इसमें दो फ़िल्टर सर्किट हैं, ये हम सारे यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम करेंगे। तो ये हाफ वेव के लिए मैंने सर्किट कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए फ़िलहाल ये है। तो मैं यही चीज़ आपको इसमें भी दिखा देती हूँ, कनेक्ट टर्मिनल A to D। तो मैंने ये टर्मिनल A to D कनेक्ट कर लिया है। फिर है कनेक्ट टर्मिनल C to G, तो कनेक्ट टर्मिनल C and G को कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद है कीप टर्मिनल X and Y ओपन, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, X and Y को ओपन कर देंगे। ये देखो X and Y ओपन कर देंगे। फिर है कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप इन द आउटपुट फॉर ऑब्जर्व द आउटपुट वेवफॉर्म। तो ऑसिलोस्कोप भी मैंने आपको कनेक्ट करके दिखा दिया कि इनपुट एंड आउटपुट आप कैसे चेक करेंगे ऑसिलोस्कोप में। उसके बाद आता है ऑब्जर्व द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म एंड ड्रॉ दीज वेवफॉर्म ऑन द ग्राफ पेपर। तो आप ये जो भी वेवफॉर्म्स आ रहे हैं इनको आप ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आपको अगर पता है कि आउटपुट क्या क्या आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकली आप जब भी करते हैं तो ये ग्राफ पेपर में ही ट्रेस किया जाता है और इसकी आउटपुट कैलकुलेट की जाती है, जो भी इसकी वैल्यूज आती हैं वो कैलकुलेट की जाती है। फिर एक ये लाइन देख लीजिए, मैंने आपको जो बताया था विद फिल्टर, नाउ कनेक्ट द टर्मिनल N and J, दिस ब्रिंग्स अ फिल्टर कैपेसिटर इन पिक्चर, ऑब्जर्व द वेव फॉर्म ऑन द स्कोप मतलब आपका ऑसिलोस्कोप हो गया। नाउ इंसल्टेड टू L to J, कनेक्ट L to K, कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीज एंड ऑब्जर्व द वेव फॉर्म एंड नोटिस द वेव फॉर्म विल बिकेम स्मूथर, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक फिल्टर कैपेसिटर भी कनेक्ट करके दिखा दिया है। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए आपका हाफ वेव सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड